अगले 15 दिन जो मौजूदा कीमत है जो पिछले करीबन 2 महीने से चल रही है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं, 235.30 रुपये रहेगी। जहां तक पेट्रोल का ताल्लुक है वो उसकी इस वक्त कीमत 224.80 रुपये फी लीटर है और उसमें भी कोई तब्दीली नहीं होगी, अनचेंज। और कल से यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर ये पेट्रोल और डीजल हाई स्पीड डीजल की कीमतों में होगी वो उसी तरह बरकरार रहेंगी। जहां तक मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल का ताल्लुक है, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और कम तरीन आमदनी वाले लोग जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं देहातों में और दूर दराज इलाकों में, तो उसके लिए वजीर आजम की गाइडेंस में ये फैसला किया गया है हुकूमत पाकिस्तान ने की तरफ से कि जी इसमें कल आज रात से यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 10 रुपये फी। जहां तक लाइट डीजल ऑयल का ताल्लुक है जो कि ट्यूबवेल जो है मेनली लोग इस्तेमाल करते हैं और वो भी कम आमदनी के लोग भी हैं, उसके लिए भी ये फैसला किया गया है कि 7.5 रुपये फी लीटर उसमें आज रात 12 बजे के बाद कमी हो जाएगी यानी 1 दिसंबर तक। ये चारों पेट्रोलियम की मसनूआत की जो नई कीमतें हैं मैंने अर्ज कर दी हैं, डीजल की प्राइस 235.30 रुपये 9 तक बरकरार रहेगी, पेट्रोल की कीमत 224.80 रुपये कोई तब्दीली नहीं बरकरार रहेगी, कैरोसिन ऑयल की कीमत 10 रुपये की कमी के साथ 181.80 रुपये हो जाएगी, अभी 191.83 रुपये है। इसी तरह लाइट डीजल ऑयल की जो कीमत है इस वक्त वो 186.50 रुपये लीटर है, 7 रुपये की कमी के साथ वो 179 वो कल 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कीमतें होंगी। सब्जेक्ट है आज के हवाले से, आज 30 नवंबर है, रात 12 बजे तक टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट थी, एफपीआर को काफी रिप्लाई हुई है टैक्स एसोसिएशन से भी, बिजनेस कम्युनिटी से भी और फ्लड इफेक्टेड एरिया से भी, तो इसमें फैसला किया गया है कि इसमें 15 दिन की कर दी जाए यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक उसमें तौसीक की जा रही है। और मेरी गुजारिश होगी, अपील होगी कि जिन बहनों भाइयों ने जिनकी रिटर्न्स ड्यू और अभी तक वो नहीं जमा करा सके, मेहरबानी करके अब इस मौके से फायदा उठा के फाइनली किसी पेनल्टी और किसी पीनल एक्शन के बगैर वो तक मेहरबानी करके अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा दें। बहुत शुक्रिया।